फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलमान खान की फिल्म भारत के बारे में बात करना चाहता हूं और एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, इस फिल्म की लेंथ, यानी कि कितनी बड़ी ये फिल्म होगी। इस चक्कर में इस बारे में कई सारी चीजें सामने नजर आ रही है, क्योंकि सलमान खान जो फिल्म की शूटिंग में आई थिंक कुछ इस वीकेंड से चालू हो चुकी है मुंबई में, उसके बाद होगी पंजाब और दिल्ली में। तो सलमान खान का कहना है कि ये फिल्म करीबन 2 घंटा 45 मिनट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है अली अब्बास जफर साहब को। और अली अब्बास जफर जिस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म की स्टोरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि ये फिल्म करीबन बनने के बाद 3 घंटे के ऊपर होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी चीज, जो दोस्तों आपको बता दूं, रेस थी के टाइम में सलमान खान ने भी इंटरफेयर किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी और आपको पता है फिल्म का क्या हाल हुआ था। तो यहां पर भी वो होगा या नहीं, या क्या सलमान खान की जो बात है कि भैया 2 घंटा 45 मिनट से कम किसी भी तरह से रखे इस फिल्म को, वो क्या अली अब्बास जफर सुनेंगे कंप्रोमाइज करके फिल्म के स्क्रिप्ट पर, या अली अब्बास जफर सलमान की बिना सुने इस फिल्म को 3 घंटे के आसपास या उससे बड़ी बनाएंगे, क्योंकि ये फिल्म डिमांड करती है दोस्तों। एक बड़ी फिल्म है, बड़े बजट की फिल्म है, बड़े लेंथ की फिल्म है, तो आई डोंट थिंक ये चीजें एक बहुत अच्छी चीज है जो सुनने में आ रही है हमें सभी को। और यहां पर मैं पर्सनल अगर राय रहे तो मैं यही कहूंगा कि फिल्म 3 घंटे या 3.25 घंटे की भी अगर ये होगी तो दर्शकों को पसंद आएगी, लेकिन हाँ, आजकल की जनता फिल्मों को 2.5 घंटे में वैप अप करना चाहती है, देखना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फिल्म अगर बड़ी भी होगी तो भी आपको एंटरटेन करने में कामयाब होगी, ये मेरा पर्सनल राय है। मुझे मैंने क्योंकि ओरिजिनल फिल्म देखी है तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं आपको। अब देखते हैं क्या सलमान खान की बात मानते हैं अली अब्बास जफर या करते हैं अपने मन की और फिल्म की स्क्रिप्ट में बिना छेड़छाड़ के इसे और लंबी बनाते हैं। आप ही क्या राय है, क्या सलमान खान की सुननी चाहिए इस बार अली अब्बास जफर को या नहीं, जरूर बताइएगा। चलिए फिर इतना ही।